दोस्तों, रिबिल्ड फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 को सीजीएसटी 12th अमेंडमेंट रूल 2020 को लागू किया है। इस अमेंडमेंट रूल के द्वारा टोटल 20 मेजर अमेंडमेंट्स किए गए हैं। मैं आपको सभी अमेंडमेंट्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसमें पहला अमेंडमेंट सीजीएसटी रूल 2017 के रूल 46 में किया गया है। रूल 46 के फर्स्ट प्रोविजो को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और अब उसमें दो एंट्री के स्थान पर 3 एंट्री एप्लीकेबल होगा। और उसमें जो नया एंट्री ऐड किया गया है उसके अनुसार गुड्स और सर्विसेज के किसी स्पेशल क्लास के लिए सभी रजिस्टर्ड पर्सन को इनवाइस के ऊपर HSN कोड की कितनी संख्या को मेंशन करना जरूरी है इसके बारे में अब CBIC नोटिफिकेशन निकाल सकता है। इस अमेंडमेंट रूल के दूसरे संशोधन के तहत रूल 67A को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और यह जोड़ा गया है कि यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन को किसी टैक्स पीरियड के लिए फॉर्म GST CPM 08 में नील स्टेटमेंट फर्निश करना है तो GST पोर्टल पर ई फाइलिंग के लिए उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा और उस OTP के माध्यम से वह रजिस्टर्ड पर्सन ई फाइलिंग कर पाएगा। तीसरा बदलाव CGST 12th अमेंडमेंट रूल के द्वारा यह किया गया है कि CGST रूल 83 के अधीन प्रोविजो को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, यानी कि बदल दिया गया है। नए प्रोविजो के अनुसार यदि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 2019-20 में किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक है तो उसे अपने अकाउंट का ऑडिट करवाना पड़ेगा। साथ ही उस ऑडिटेड अकाउंट्स और रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट के सर्टिफाइड कॉपी को फॉर्म GSTR 9C में इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना पड़ेगा। चौथा बदलाव यह किया गया है कि CGST रूल 2017 के रूल 138E के थर्ड प्रोविजो के बाद एक चौथा प्रोविजो जोड़ा गया है और इसमें कहा गया है कि अगर फरवरी 2020 से अगस्त 2020 पीरियड के लिए यदि कोई ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं किया है तो 20 मार्च 2020 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 तक के टाइम पीरियड में सबमिट नहीं किया है फिर भी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। इस चेंज में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया गया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें 5th चेंज के द्वारा क्या किया गया है। यह बदलाव रूल 142(1A) से संबंधित है और इसमें प्रॉपर ऑफिसर सेल के स्थान पर प्रॉपर ऑफिसर मे और सेल कम्युनिकेट के स्थान पर कम्युनिकेट को सब्स्टिट्यूट किया गया है। जो छठा बदलाव इस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है वह फॉर्म GSTR 1 से रिलेटेड है और फॉर्म GSTR 1 के टेबल के सीरियल नंबर 12 के कॉलम 6 में कॉलम हेडिंग टोटल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके रेट ऑफ टैक्स कर दिया गया है। 7th चेंज के द्वारा फॉर्म GSTR 2A के फॉर्मेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। यह डिटेल्ड ऑटो ड्राफ्टर सप्लाई से रिलेटेड है। 8वें बदलाव फॉर्म GSTR 5 से संबंधित है। इस फॉर्म के फॉर्मेट में कुल 6 प्रकार के चेंज किए गए हैं। अमेंडमेंट रूल 2020 के 9th चेंज फॉर्म GSTR 5A से रिलेटेड है और इसमें कुल 3 तरीके के बदलाव किए गए हैं। अमेंडमेंट रूल 2020 के 10th चेंज फॉर्म GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है और GSTR 9 में कुल 20 तरीके के बदलाव किए गए हैं जिसके अंतर्गत किसी सीरियल नंबर के कॉलम को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है या कुछ नया इंसर्ट किया गया है। अमेंडमेंट रूल 2020 के 11वें चेंज के द्वारा फॉर्म GSTR 9C के इंस्ट्रक्शन के पैराग्राफ 4 और 6 में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को जोड़ा गया है। अमेंडमेंट रूल 2020 के 12वां चेंज फॉर्म GSTR RFD 01 से रिलेटेड है और इस फॉर्म के एनेक्चर के एक स्टेटमेंट 2 में से एक्यूमुलेटेड ITC को ओमिट कर दिया गया है। अमेंडमेंट रूल 2020 की 13 चेंज फॉर्म GST
ASMT 16 से रिलेटेड है और इस फॉर्म के टेबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। टेबल में पहले 12 कॉलम्स थे जो अब 13 हो जाएंगे। अमेंडमेंट रूल 2020 के 14th चेंज फॉर्म GST DRC 01 से रिलेटेड है और इस फॉर्म के एंट्री सी के बाद वाले टेबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। टेबल में पहले 12 कॉलम्स थे जो अब 13 हो जाएंगे। अमेंडमेंट रूल 2020 के 15th चेंज फॉर्म GST DRC 02 से रिलेटेड है और इस फॉर्म के एंट्री सी के बाद वाले टेबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। टेबल में पहले 12 कॉलम थे जो अब 13 हो जाएंगे। अमेंडमेंट रूल 2020 के 16th चेंज फॉर्म GST DRC 07 से रिलेटेड है और इस फॉर्म के टेबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। फॉर्म के सीरियल नंबर 5 के बाद वाले टेबल में पहले 12 कॉलम थे जो अब 13 हो जाएंगे। अमेंडमेंट रूल 2020 के 17th चेंज फॉर्म GST DRC 08 से रिलेटेड है और इस फॉर्म के टेबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। फॉर्म के सीरियल नंबर 7 के बाद वाले टेबल में पहले 12 कॉलम थे जो अब 13 हो जाएंगे। अमेंडमेंट रूल 2020 के 18th चेंज फॉर्म GST DRC 09 से रिलेटेड है और इस फॉर्म के टेबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। टेबल में पहले 12 कॉलम्स थे जो अब 13 हो जाएंगे। अमेंडमेंट रूल 2020 के 19th चेंज फॉर्म GST DRC 24 से रिलेटेड है और इस फॉर्म के टेबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। टेबल में पहले 6 कॉलम्स थे जो अब 7 हो जाएंगे। अमेंडमेंट रूल 2020 के 20th चेंज फॉर्म GST DRC 25 से रिलेटेड है और इस फॉर्म के टेबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। टेबल में पहले 6 कॉलम्स थे जो अब 7 हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार CGST रूल के इस संशोधन के द्वारा बहुत ही बड़ा बदलाव लाया गया है जो कि आप और आपके अकाउंटेंट के लिए जानना जरूरी है। जानकारी के अभाव में कुछ गलतियां कर बैठेंगे और टैक्स असेसमेंट की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को सही जानकारी सही समय पर दे दिया जाए। मैंने लास्ट में एक लिंक दिया है जो इस CGST 12th अमेंडमेंट रूल से रिलेटेड है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि GST के ऊपर मेरा नया वीडियो को आप सही टाइम पर देख सकें। थैंक यू वेरी मच।